हेलो दोस्तों, मैं हूं रजनीश और आप हैं मेरे चैनल हिंदी सॉन्ग नोटेशन पे। आज मैं प्ले करने वाला हूं आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इसको पहले मैं ट्रैक के साथ प्ले करूंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा और ये मैं पूरा गाना बताने वाला हूं। इस गाने का जो ओरिजिनल स्केल है वही मैंने लिया है, तो गाने का जो सा है वो ये सा। तो शुरू करते हैं। पहले मैं यहां तक इसका मुखड़ा एक्सप्लेन करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो गाने का म्यूजिक है स्टार्टिंग वाला वो देखते हैं। ये जो पीस है आपको 3 times प्ले करना है, 1 2 3 1 2 3, और ये जो है ये 5 times है, 1 2 3 4 5। इसके बाद स्ट्रिंग्स का म्यूजिक है, इस म्यूजिक के जस्ट बाद ये आपको 4 times करना है। और ये जो टोटल पीस है ये आपको 2 times रिपीट करना है ऐसे। इस म्यूजिक के बाद है तार सप्तक में, आपको यहां से प्ले करना है। स्ट्रिंग्स का म्यूजिक है वो, इसके बाद है आपको प और सा दबाना है एक साथ। इसके बाद है हारमोनिका का म्यूजिक, इसके लिए आप अकॉर्डियन भी सेलेक्ट कर सकते हैं टोन में, या हारमोनिका सेलेक्ट कर सकते हैं। हारमोनियम का भी अलग अलग टोन होता है कीबोर्ड में, आप वो भी सेलेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे भी हारमोनिका सेलेक्ट किया हुआ है। इस पीस के बाद है ये, अगर मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपली ऐसे प्ले कीजिए। ये म्यूजिक आपको 2 बार प्ले करना है। फिर इसके बाद है इस म्यूजिक के बाद गाना शुरू होता है हमिंग पार्ट से। इस हमिंग के बाद है एक म्यूजिक पीस है, अब गाना शुरू होता है। गाने को मैंने एक तो ओरिजिनल जो हरकत है उसके साथ बताया है, और मैं इसको सिंप्लीफाई करके भी बताऊंगा कि जो बिगिनर्स है जिनको उंगलियां चलाने में प्रॉब्लम है तो वो इजी वाला नोट के साथ वो प्ले कर सकते हैं। पहले देखिए ओरिजिनल वाला, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की, मेरे सपनों की रानी,
रानी कब 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 आएगी तू आएगी तू। अब इजी वाला, एकदम इजी वाला। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इसको मैं ये लाइन पूरा प्ले करता हूँ फिर से। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और इजी वाला। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरी आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी मस्तानी कब कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंद 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 गानी जिंद गानी कब 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 आएगी तू आएगी तू। इसको एक बार पूरा देखिए। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया चली चली आ तू। तू वर्ड में पांच सुर लग रहे हैं, तू तू, लेकिन इसको आपको फास्टली प्ले करना है। चलिया तू चलिया तू चली आ। अब इस लाइन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखते हैं। बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चली आ तू चलिया। या फिर यहां पे इसका आप कर्ण स्वर ले सकते हैं, चलिया तू चलिया। अब मुखड़ा खत्म होने के बाद जो म्यूजिक पीस है मैं वहां से शुरू करता हूं। इसको पहले मैं ट्रैक के साथ प्ले करता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे आपको कॉर्ड्स प्ले करना है। इस म्यूजिक का जो पीस है वो कॉर्ड है, तो आपको यहां पे कॉर्ड प्ले करना है। ये एफ मेजर कॉर्ड है, यहां पे एफ ए और सी, ये तीनों आपको एक साथ प्ले करना है। और आपका जो रिदम चलेगा, जो भी आप रिदम सेलेक्ट करेंगे उसके बीट्स के अकॉर्डिंग इसका मूवमेंट होगा। जैसे मान लीजिए रिदम है टक टक टक, तो ये होगा टक टक टक। अगर रिदम है टक 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 टक, तो ये होगा। तो आप अपने कीबोर्ड में जैसा रिदम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका जो बीट्स आप मूवमेंट हो वैसा होगा। इस कॉर्ड वाले म्यूजिक के बाद फिर फ्लूट का पीस आता है, वो है यहां से शुरू होता है। इसको स्लो में देखिए।
अब मैं इसको बिल्कुल स्लो में बता रहा हूं। एक्चुअली ऐसा है, तो ये हरकत मुश्किल है, तो आप इसको सिंपल ऐसे बजाइए। और यही म्यूजिक, यही सेम नोट्स स्ट्रिंग्स के म्यूजिक के साथ है, तो यही सेम पीस आपको रिपीट करना है, लेकिन उसका टोन स्ट्रिंग्स होगा। और इसके बाद वापस फिर कॉर्ड्स वाला म्यूजिक है आपको, वहां पे ये कॉर्ड्स आपको लेना है, एफ, जी शार्प और बी। ये तीनों बटन प्रेस करना है आपको। तो इस म्यूजिक के बाद ये कॉर्ड आता है, आपको मैं पूरा एक साथ प्ले करके दिखाता हूं। इसके बाद पहला अंतरा शुरू होता है, प्यार के ये पहला जो अंतरे के जो बोल है ना, वो ऑलमोस्ट एकदम सिंपल है, क्योंकि इसमें ज्यादा हरकत नहीं है। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, इन दोनों लाइन का नोट बिल्कुल सेम है। प्यार की कलियां लाइन के बाद आपको एक कॉर्ड बजाना है, आप बजा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। प्यार की गलियां, ये कॉर्ड कौन सा, ये ए शार्प माइनर कॉर्ड है, इसमें एक ये तीनों नोट्स आपको बजाना है। प्यार की गलियां, लाल के फूलों की कलियां, उसमें आपको सी शार्प मेजर कॉर्ड बजाना है, ये वाला। तो ये दो कॉर्ड आपको बजा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ ये नोट आप लगा सकते हैं। प्यार की गलियां, ला 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 ला। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां, ये आसान वाला है, सब रंग रलियां। और अगर इसको हरकत के साथ देखेंगे तो सब रंग रलियां, सब रंग रलियां, देखिए कितना अंतर है दोनों में, जो एकदम सिंपल में और हरकत के साथ, सब रंग रलियां, और हरकत वाला सब सब रंग रलियां, सब रंग रलियां, पूछ रही है, पूछ 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 रही है। प्यार की गलियां, ला 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 ला, सब रंग रलियां, पूछ रही है, गीत पन घट पे किस दिन गाएगी तू, गीत गीत पन घट, पन घट, गीत पन घट ते किस दिन, ते ते किस दिन, किस दिन गा, गाय में एक आपको मुर्की लेना, गा गा गाएगी तू, गाएगी गा। तो ये जो चार नोट आपको लगाना है, एक साथ लगाना है, गा गा गाएगी तू, गीत गीत पन घट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। पहला अंतरा खत्म होने के बाद जो म्यूजिक आपको बताना है वो बिल्कुल पूरा का पूरा सेम है, जो आपने अभी बजाया है, जो मुखड़े के बाद बजाया था, वही सेम लाइन आपको रिपीट करना है, सेम म्यूजिक आपको बजाना है।
अब इसका दूसरा अंतरा देखते हैं, इसके भी नोट्स बिल्कुल पहले अंतरे जैसा है और बहुत सिंपल है। फूल से खिल के पास अदिल के, फूल से खिल के पास अदिल के, दूर से मिल के, और अगर हरकत के साथ देखेंगे तो दूर से मिलके, दूर से मिलके, चैन आए, चैन, चैन आए, और कब तक मुझे तड़े पाएगी तू, और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, पाएगी तू, और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। दूसरा अंतरा खत्म होने के बाद जो म्यूजिक है उसको प्ले करता हूं पहले, फिर एक्सप्लेन करूंगा। ये जो पार्ट है स्ट्रिंग से शुरू होता है, इन दोनों पार्ट को फिर से देखिए एक बार, इसके बाद आपको कॉर्ड प्ले करना है। ये है डी शार्प मेजर कॉर्ड, डी शार्प, जी और ए शार्प। इस कॉर्ड को आपको स्ट्राइक करना है जो आपका रिदम का पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग। इस पीस को पूरा देखिए एक साथ, और फिर यही स्ट्रिंग्स वाला म्यूजिक फिर आपको बताना है, लेकिन इस बार इसके साथ कॉर्ड लेना है आपको। ये है ए शार्प मेजर कॉर्ड, इसमें एफ, ए शार्प और डी आपको प्ले करना है। और उसके बाद फिर है ये कॉर्ड आपको लेना है, एफ शार्प मेजर कॉर्ड। तो इसमें कहीं कहीं कॉर्ड्स अगर आपको नहीं आता है तो आप छोड़ भी सकते हैं। फिर है इसके बाद गाना शुरू होता है, क्या है भरोसा, तो इस वाले म्यूजिक को पूरा एक साथ देखिए। अब इसका तीसरा अंतरा देखते हैं, क्या है भरोसा आशिक दिल का, क्या है भरोसा आशिक दिल का, क्या है भरोसा। इस लाइन के बाद आपको एक कॉर्ड लेना है, क्या है भरोसा, क्या है वो, ये तीनों नोट एक साथ दबाने हैं, सी शार्प, एफ और ए शार्प, क्या है भरोसा। और दूसरा कॉर्ड है ये सी शार्प मेजर कॉर्ड, ये तो दोनों लाइन के बाद आपको कॉर्ड बजाना है, क्या है भरोसा आशिक दिल का। और किसी पे ये आ जाए, और किसी पे
ये आ जाए आ जाए। दूसरी बार जो लाइन रिपीट होता है और किसी पे ये आ जाए, उसमें थोड़ा सा अंतर है, वो क्या है? और किसी पे ये आ जाए, ये आ जाए। पहले वाले में जाए दोनों इसी नोट पे था, जाए। दूसरी बार में जाए, और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, आ गया तो, आ गया तो बहुत बहुत पछे बहुत पछे। अब सिर्फ दो नोट भी ले सकते हैं, पछताएगी तू, ताएगी तू। इसको पूरा फिर से एक बार देखिए एक साथ। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू।